पे हम पहुंच चुके हैं आश्रम। आश्रम स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी द्वारा स्थापित का एक मंदिर है और आपका एक आश्रम था। पुरुषोत्तमाचार्य जी का एक लोकभग्न हो गया, उसके बाद उनके शिष्य श्रीमान बंसी दत्ताचार्य जी इसके उनका भी वैकुंठ लोक धाम होने के बाद श्रीमान मंत सुदर्शनाचार्य जी भी वर्तमान में इसके मंत हैं। मंदिर में जो स्वामी जी थे उनके प्रति लोगों का काफ़ी आस्था थी, काफ़ी चले उनके आज बड़ी साड़ी आसपास क्षेत्र में मौजूद हैं। उनके बाद श्रीमान बंसीधराचार्य जी जो कि पासी नगर उत्तरवाड़ा के निवासी थे, उनके भी काफ़ी चले चाटी थे। और अभी जो गुरु जी वर्तमान गुरु जी हैं श्री सुदर्शनाचार्य जी, उनके भी काफ़ी उनके जो चाहने वाले हैं या उनके भक्तगण हैं, तो उनका जो चरण पादुका है उनका भी दर्शन करेंगे। आइए मेरे साथ में चलते हैं वहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया कि स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी जी इस मंदिर या आश्रम के जो संस्थापक इनको कह सकते हैं या इसके सब कटरता गुरुदेव स्वामी जी, इनका वैकुंठ धाम होने के बाद आपकी समाधि का निर्माण, चरण पादुका का निर्माण यहीं किया गया है, बिल्कुल आश्रम के सामने है। मैं दिखाना चाहता हूँ, आइए आप। ये चरण पादुका श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी जी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज की चरण गोविंद आपका सर्वा समत 2058 भाद्रपद कृष्ण सम दसम बुधवार दिनांक 27 अगस्त 1997 ईस्वी को हुआ था। मेरा सौभाग्य है कि उस निर्माण जिनका स्वागत हुआ था आपके समाधि के ऊपर मैं उसमें मौजूद था। ये मेरी किस्मत की बात है, उनके दर्शन मैंने किए, बहुत ही अच्छा लगा हमको आज अच्छे दिन और गुरुदेव के दर्शन करने को मिले। आप भी कभी पधारे बड़ी साड़ी तो यहाँ जरूर पधारे। बहुत मूर्ति विराजमान है, काफी मूर्ति का है, चेहरा आपको सुनाया है, मैंने देखा है गुरु जी को, तो उसको लगता है कि गुरु जी साक्षात गुरु जी बैठे हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा सामने सत्यनारायण भगवान का मंदिर, आइए हम दर्शन करते हैं। आइए मैंने आपको दिखाया बड़ी साड़ी, वो एक प्राचीन बड़ी साड़ी था जो पुराने धरोहर थी। अब मैं ऐसी जगह पहुंच चुका हूं जो बिल्कुल नई आधुनिक, ऐसा लगता है कि बिल्कुल किसी बड़े शहर में आ गए हैं। ये बिल्कुल नई जगह है, हाल ही में 2-5 साल से ज्यादा अच्छा डेवलप हुआ है। मैं पहुंच चुका हूँ पंचमुखी बालाजी जो कि निमच रोड पर मौजूद है, और वहां पर बहुत ही सुंदर गार्डन का निर्माण किया जा चुका है। और जैसा आप देख सकते हैं कि मैं एक झूले में झूल रहा हूँ, ऐसे काफ़ी झूले मेरे सामने मौजूद हैं। शाम को यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, बच्चे लेडीज जेंट्स सब आके काफ़ी इंजॉय करते हैं, क्योंकि है कि बड़ी साड़ी का आधुनिकता का जो देखने को मिलती है वो यहीं मिलती है। एक पार्क का रूप दिया गया है इसको, बिल्कुल बहुत ही सुंदर निर्माण, साथ में पीछे गार्डन है जिसमें शाम को आके बच्चे लेडीज सब आके बैठते हैं, कुछ खेलते हैं। और जो पीपल का पेड़ दिख रहा है जस्ट उसके नीचे बालाजी मंदिर, महाराज का मंदिर, सबसे नवीनतम कह सकते हैं इसको जगह है बड़ी साड़ी की, जहाँ काफ़ी लोग आते हैं। आप भी आएँ तो यहाँ जरूर आएँ, खासकर शाम को काफ़ी यहाँ अच्छा व्यू देखने को मिलता है। और पीछे इसके अगर पूरा पहाड़ियों का व्यू देखिए आप, पीछे पूरा ये देखिए सामने नन्हे मुन्ने बालक झूलते हुए। अभी आके दिन का मौसम है थोड़ा सा तो कम लोग हैं, पर शाम जैसे वो जल्दी शुरू हो जाएगी, पूजा पाठ शुरू होगी, आरती होगी। तो इस तरह आप भी आनंद ले सकते हैं, झूला झूल सकते हैं, बच्चों के साथ आए परिवार के साथ आए और काफी इसका एंजॉय करें। बड़ी साड़ी को छोटा मत समझो, कोई गाँव नहीं है, अब काफी बड़ा शहर बन चुका है, काफी सारी चीजें देखने की हैं, घूमने की हैं। आप जरूर बता रहे हैं और आते रहे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ध्यान से वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन तो जरूर दबाएं। बाकी सबसे निवेदन है मेरा कि इसको
को बहुत ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। पर जो बड़ी साड़ी के खास निवासी है उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि अपनी बड़ी साड़ी की शान इस धरोहर को आगे से आगे ज्यादा ज्यादा इसको फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं कि बड़ी साड़ी को छोटी जगह नहीं है, इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आधुनिक दृष्टि से देखें आज भी महत्वपूर्ण है। बाकी लोगों को जागरूक करें, यहाँ आए साथ में ही सीता माता फॉरेस्ट है, इसका वीडियो को जल्दी हम बनाएंगे यहाँ पे सामने, वो भी इंजॉय करें और बड़ी साड़ी भी जो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खम्मा गणी जय जय रास्ता।